हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स फ्रॉम अबू धाबी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे क्विक रूटीन शेयर करूँगी। मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और कॉफ़ी वगैरह बना ली थी मैंने, साथ एक स्लाइस ले लिया था और बॉयल एग करके मैंने उसके साथ मायो मिक्स की और जल्दी से बस उसको मैंने टोस्ट के ऊपर लगाया। साथ में कुछ जलेबियाँ आपको एक दो नज़र आ रही होंगी। और टोस्ट में जो आपने मिक्सचर रेडी किया है उसमें आप सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल सकते हैं और साथ में ये कोकोनट मैक्रोन्स हैं, बहुत ही फ्रेश, और ये मैं लुलू से लेकर आई थी। तो ये हो रहा है जी नाश्ता, और नाश्ता भी हम डन करेंगे और उसके बाद मैं जल्दी से आपके साथ अपनी लंच की रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी आज लंच में बनने जा रहा है पुलाव, और यहाँ पर मैं आज मटर पुलाव बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कर लिया था, साथ में उसके साबुत गरम मसाला डाला है और उसके बाद जी मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डाली हैं और उसके बाद हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें पानी डाल के मैं रख दूँगी, बीच में हम पहले मटर को डाल के अच्छे से भून लेंगे, फिर पानी डाल के रखेंगे। वही जो प्रोसीजर होता है सारा राइस बनाने का, आई होप आप सबको पता होगा, तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे। तो चले चलते हैं और करते हैं अपने लंच की प्रिपरेशन। यहाँ पर आपने देखा कि मैं मटर डाल चुकी हुई हूँ और अच्छी तरह से मैं मटर को साथ में भून रही हूँ। मटर को भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसमें एक स्मेल होती है, वो आएगी। पानी डाल के मैंने रख दिया था, जैसे ही पानी को बॉईल हुआ मैंने इसमें चावल डाल दिए थे और दम पे रखने से पहले ऊपर थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला डाल दिया था। और पुलाव जी हो चुका है हमारा ज़बरदस्त रेडी, साथ में मैंने इसका रायता बना लिया था और हम लोगों ने जो है वो अपना लंच इंजॉय कर लिया था। उसके बाद आज हमें जाना था और लुलू से हमें कुछ काम था, हमने सोचा हम चले जाएं और एक दो चीज़ें लानी थी ग्रॉसरी की। तो थोड़ी देर बाद फिर लंच के हम लोग बाहर चले गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले और ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। चावल जब भी बनाएं उसमें पानी का ज़रूर ख्याल रखें कि कितनी क्वांटिटी में आपने डालना है, तभी चावल अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर जी हम बाहर निकल चुके हैं, मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, शाम का टाइम है और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डेजर्ट को कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ मोस्ट। और आप लोग देख सकते हैं इतने यहाँ पर बड़े बड़े डेजर्ट के जो हैं वो पहाड़ से बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा एरिया में जो है वो स्टिल अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो आप भी इस व्यू को एंजॉय करें, तो उसके बाद हम चलते हैं लुलू। यहाँ पर जी हम लोग आ चुके हैं अल्दफ़रा मॉल और ग्रोसरी वगैरह जो हम लोगों ने लेनी थी वो हम ले चुके हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली ही अजमल की शॉप ओपन हुई है
और हर तरह का बकूर और इतर ये जो इनके ब्रांड से रिलेटेड है वह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ में ये भी एक कंप्यूटर्स की शॉप ओपन हुई थी, यहाँ पर इन्होंने स्पीकर्स वगैरह रखे हुए थे और अच्छी न्यू शॉप है, किसी को भी जाना हो तो वो ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ ही मुझे मेरी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।